नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे LJP और JDU के बीच में जारी सियासी घमासान के बारे में। बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोजपा में जारी सियासी घमासान के बीच में अब पार्टी पर इसका अधिकार हो, इसको लेकर लड़ाई जारी है। दरअसल लोजपा में दो गुट बन गया है। एक गुट में चिराग पासवान है, उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ साथी हैं। दूसरे गुट में चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं और 5 सांसद के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य हैं। ऐसे में अब यह मामला निर्वाचन आयोग के पास चला गया है कि लोजपा का सिंबल किन्हें मिलेगा। लोजपा में जारी सियासी घमासान के बीच में चिराग पासवान और उनके गुट के नेता लोजपा में आज जो स्थिति है इसके लिए जदयू को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लोजपा ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में जदयू के कुछ सांसदों ने फूट डाला है, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCPC ने यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिराग ने जो बोया है वही काट रहे हैं। इससे यह साफ है कि जदयू अपने आप को लोजपा के इस प्रकरण से अलग मानती है और वह इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। आपको बता दें कि लोजपा और जदयू के बीच में लड़ाई की शुरुआत साल 2005 में शुरू हो गई थी। साल 2005 में फरवरी मार्च के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में ठीक पहले रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली और चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया। इस समय नीतीश कुमार BJP के साथ मिलकर लालू यादव के साम्राज्य को उखाड़ने की मुहिम में जुटे हुए थे। इसी समय नीतीश कुमार चाह रहे थे कि रामविलास पासवान उनके साथ रहें ताकि लालू यादव को हराने में उन्हें बल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रामविलास पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद बिहार की जनता ने सत्ता की चाबी रामविलास पासवान को सौंप दी। उनकी पार्टी LJP को 29 सीटें आई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से रामविलास पासवान से अप्रोच किया कि वह उनके साथ आकर सरकार बनाएं और चलाएं, लेकिन रामविलास पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे। रामविलास पासवान राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड पर ना तो नीतीश कुमार के साथ गए और ना ही लालू यादव की पार्टी के साथ। इसके बाद मीडिया में खबर चली कि रामविलास पासवान के 23 विधायक नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हम तोड़ जोड़ कर सरकार नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार ने भले ही लोजपा के विधायकों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाया, लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति से रामविलास पासवान आहत हुए और यहीं से दोनों नेताओं के बीच में टसन शुरू हो गया। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की जिद के चलते किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन 2005 के अक्टूबर नवंबर में मध्यावर्ती चुनाव हुए जिसमें BJP और जदयू को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस चुनाव में लोजपा के खाते में 10 सीटें आई। सरकार में आते ही नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से हिसाब चुकता कर लिया। नीतीश कुमार ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाया जिसमें लगभग हर दलित जातियों को शामिल किया, लेकिन पासवान जाति को बाहर रखा। आपको बता दें कि बिहार में पासवान जाति की करीब 5% आबादी है। मार्च 2005 के चुनाव में भारी संख्या में रामविलास पासवान की पार्टी को सपोर्ट किया। अब नीतीश कुमार ने महादलित कैटेगरी बनाकर गैर पासवान जातियों को अपने पाले में कर लिया। सरकार की तरफ से ज़्यादातर योजनाएं महादलितों के लिए लाए गए जिससे पासवान दलित होने के बावजूद इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद साल 2016 में जब नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन से गठबंधन तोड़कर एक बार फिर से NDA के साथ आए तो उसमें LJP को शामिल नहीं किया गया, जबकि LJP नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होना चाहती थी। इस तरह से नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की राजनीति झगड़ा बना रहा। 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा के मिले सबसे अच्छे नतीजे सामने आए थे, उतने अच्छे नतीजे बाद में फिर कभी नहीं आया और समय के साथ दोनों नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ती गई। चिराग पासवान अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो दोनों पार्टियों के बीच में और भी दूरियां बनने लगी, जिसका नतीजा हमने 2020 विधानसभा चुनाव में देखा, जिसमें लोजपा BJP का तो समर्थन कर रही थी लेकिन जदयू का विरोध कर रही थी। जदयू ने यह भी माना कि 2020 विधानसभा चुनाव में लोजपा के कारण जदयू के 20-25 सीटों का नुकसान हुआ है। अब यह खबर लिखा जा रहा है तब भी जदयू और लोजपा के बीच में खटास जारी है। बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।